दोस्तों, पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 10 में हमने जो है द इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जाना था कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कब बनता है और इसके बनने के बाद मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो किस साइड होता है। और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जानने वाले हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कब बनता है, कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है, और चार्ट पे हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है या फिर कोई दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो है सिंगल 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 है। इस तरह अगर सिंगल पैटर्न बनता है तो समझ लीजिए ये जो है एक हैमर है। तो ये किसी भी टाइप का हो, चाहे ये बुलिश कैंडल स्टिक हो या फिर बियरिश कैंडल स्टिक हो, ये यहाँ पे मायने नहीं रखता है। इस तरीके का फॉर्मेशन अगर आपको चार्ट पे दिखता है, इस तरीके का पैटर्न अगर आपको चार्ट पे दिखता है, तो समझ लीजिए कि ये एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। और इसे हम लोग जो है अभी चार्ट पर भी समझेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बॉडी, आपको यहाँ पे रियल बॉडी जो आपको दिख रही है देख सकते हैं, छोटी सी कुछ इस तरीके से रहती है। और इसका जो लोअर साइड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, लॉन्ग लोअर साइड होता है। और अपर साइड जो होता है यहाँ पे, जो ऊपर यहाँ पे निकला रहता है उसे अपर साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपर साइड होता है वो साइड ना के बराबर होता है, या तो हल्का सा दिखेगा या फिर एकदम से नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर हल्का सा यहाँ पे निकला हुआ है तो समझ लीजिए कि तब भी ये एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। और अगर यहाँ पे हल्का सा अपर साइड नहीं भी है तब भी ये जो है एक हैमर, लेकिन इसका जो लोअर साइड है वो लॉन्ग होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट, और ये कब बनता है, जब मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है, यानी कि एक बेरिश ट्रेंड होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन की ट्रेंड में जा रही होती है, उस टाइम जो है एक हैमर बनता है। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जब ये चार्ट पे बनता है तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो है जब डाउन की ट्रेंड में मार्केट होती है तभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन जा रही होती है उसी टाइम एक बिग बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, और यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पे काफ़ी लंबा यहाँ पे एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ बायर्स, यहाँ पे जो है सेलर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर में होते हैं, और वो जो है अपनी पावर से इस कैंडल स्टिक को यहाँ तक मार्केट को गिरा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक मार्केट को गिरा देते हैं। और उसी टाइम जो है बायर्स यहाँ पे इंटर करते हैं, और बायर्स यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिजेक्शन आप देख रहे हैं, बायर्स यहाँ से मार्केट को रिजेक्ट करके मार्केट को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल में या फिर एक बुलिश कैंडल में या फिर एक बियरिश कैंडल में क्लोज कर देते हैं। जब मार्केट को इतना ज़्यादा रिजेक्शन, इतना बड़ा रिजेक्शन यहाँ पर मिलता है, तो जो है सेलर्स की जो पावर है वो अगर देखा जाए तो बायर्स के मुकाबले वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है बायर्स के पास आ जाता है, यानी यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज हो सकता है। तो चलिए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे एक हैमर बनता है। और जैसे ही यहाँ पे एक हैमर बनता है मार्केट का डायरेक्शन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, और मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे अब डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्शन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक बड़ी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लग रहा था कि एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से जो है सपोर्ट टूट चुका है और मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यूअसली डाउन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ बायर्स यहाँ पे रिजेक्शन करते हैं, यहाँ पे जैसे ही बायर्स एंट्री करते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे प्राइस जो है इस तरीके से क्लोज हो जाती है ऊपर की साइड एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो जाता है, और मार्केट कंटिन्यूअसली अब ट्रेंड में मूव करना शुरू कर देती है। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, लेकिन उसी टाइम यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं बियरिश हैमर बनता है और यहाँ पे एक बुलिश हैमर बनता है। जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल स्टिक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मार्केट जो है यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और मार्केट जो है कंटिन्यूअसली अब डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये जब भी चार्ट पे आपको इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, डाउन की ट्रेंड में जब मार्केट होती है तभी ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जब भी ये कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो समझ लीजिए कि यहाँ से जो है मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और यहाँ से आप जो है एक बाई की एंट्री ले सकते हैं। और इस पर हमें ट्रेड कैसे करना है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये तो सारी चीज़ें हमने बता दिया है। और इसको फिल्टर कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस करने के बाद ट्रेड कैसे लेना है, ये जो है हम लोग आगे के पार्ट में सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।